राजस्थान के अंदर हाल ही में एक्टिव हुए पश्चिमी विक्षोभ के चलते राजस्थान में सर्द हवाओं का दौर था, बारिश होती हुई नजर आ रही है और कई इलाकों के अंदर आज भी सुबह बारिश देखने को मिली। सुबह 5 बजे जैसलमेर और उसके आसपास के एरिया के अंदर हल्की बूंदाबांदी देखने को मिली। वहीं आने वाले दिनों के अंदर मौसम अब साफ होता हुआ नजर आएगा, लेकिन ये सर्द भरी हवाओं का दौर कब तक जारी रहेगा, ठंड कब तक बढ़ती हुई नजर आएगी, इन सभी की तमाम जानकारी दिखाते हैं हमारी रिपोर्ट में। पाकिस्तान से राजस्थान के जैसलमेर जोधपुर तक बनी एक ट्रफ लाइन के कारण आज पूरे प्रदेश में बादल छा गए। इससे जैसलमेर जोधपुर बीकानेर नागौर गंगानगर के इलाकों में सुबह हल्की बारिश हुई। वहीं पाली अजमेर भीलवाड़ा के एरिया में भी कहीं कहीं बूंदाबांदी हो सकती है। मौसम विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस सिस्टम का असर देर शाम तक खत्म हो जाएगा और आसमान वापस साफ हो जाएगा। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक ट्रफ बनने और पश्चिमी जेट विंग लगातार चलने के कारण मंगलवार की देर शाम से बादल बनने शुरू हो गए। राज्य में 2 दिन पहले हुई बारिश के कारण वातावरण में अब भी नमी मौजूद है। इन सभी परिस्थितियों के कारण मौसम में बदलाव आया और इस कारण आज सुबह जैसलमेर जोधपुर के कुछ एरिया में सुबह 4-5 बजे हल्की बूंदाबांदी भी दर्ज की गई। फिलहाल देश में दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए इतना ही, बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। नमस्कार।